आई होप सारे एकदम बढ़िया हो गए, एकदम सेफ हो गए अपने घरों के अंदर। सो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल सारी बात स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, बाकी सारी चीजें कर देते हो, शेयर भी कर ही देते हो। तो लेकिन इस वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को पूरी देखने से पहले, ठीक है, और शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के अंदर। सो हम आपको बताता हूँ भाई, हम जा कर रहे हैं, जैसे आपने थंबनेल टाइटल में देख लिया है, हम जा रहे हैं फेयरवेल पार्टी में, जो मेरी आपको पता ही, मैं 12th क्लास में हूँ, तो 12th क्लास की फेयरवेल पार्टी हो रही है, प्राइवेट पार्टी है एक्चुअली, ये हो रही है हमारी प्रीतमपुरा में हो रही है, पश्चिम विहार में हो रही है हमारी प्राइवेट पार्टी, ठीक है, कैफे का नाम है कैफे आफ्टर आज, तो अभी वहीं जा रहे हैं। तुम क्या बोल रखा यार कि ना इसको वहां जाके ना नानू मत बोलियो, पार्थ बोलियो, क्योंकि इसकी थोड़ी रेपुटेशन बन जाएगी पार्थ बोलने से, है नानू, सही बात है ना। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। बात सही है कि नहीं, एक बार बता दे, जो नाम है वही बोलेगा। चल ठीक है, तेरा भाई पार्थ बोलेगा तेरे को, ये अपना अरना भाई है, सब गोली नहीं बोलेंगे आज ना, आज ही नानो को टारगेट नहीं करना, किसी और को पकड़। हाँ ये बात सही है, आज नहीं नानू, हाउ इज योर फीलिंग ब्रो? चलो यार अंदर चलते हैं, हम कहीं भी चलेंगे, पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं है भाई, मेरे को लिफ्ट का पता नहीं चला, यहीं पे घुस जाते हैं। आपको पता है कैफे आफ्टर कहाँ पे है? फर्स्ट फ्लोर भाई, आ जाओ फर्स्ट फ्लोर। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई, मैं ना इतना शरीफ बच्चा हूँ, मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ क्लब में, मैं कभी जाता आता भी नहीं। वही कब गया हूँ मैं, अपने बर्थडे पे ले गया था तू, अपने प्लेस की भाई, मैं एकदम शरीफ बच्चा हूँ, एकदम शरीफ, ना मैं हुक्के पीता, ना मैं नॉनवेज खाता हूँ, मतलब कुछ भी नहीं खाता, नॉनवेज भी नहीं खाता मैं, ठीक है, बस 700 मैंने ऐसे ही दिए भाई। ये रहा कैफे आफ्टर आज, अनिरुद्ध मल्होत्रा व्लॉग्स, अनिरुद्ध मल्होत्रा MALH, अरे लिख दो यार भाई, ऐसा मत करो, मल्होत्रा तो लिखो, मल्होत्रा मूड खराब भाई, अंदर का मैं आपको वेदर दिखाता हूँ क्या, भाई अनलिमिटेड बोला था, मैं एक ही प्लेट दिए, बस यही चिली प्लेट होगी भाई। खाना की बात करूं, एक बार बताऊं, मैं यहाँ पे मैंने 700 रुपए दिए, 700 रुपए में मैं 7 जगह जाके अनलिमिटेड चीज खा सकता था, ठीक है, और उसकी वीडियो भी बना सकता था मैं, ना सर्विस दंग की ना खाना दंग का, ये देख रहा है, ये चिकन विंग्स में हनी डाल दिया यार, बता बोल ये भाई, चिकन विंग्स में हनी डाल रखा है, मीठा बना रखा पूरा, मैं चिली पटेटो की बात हुई थी कि हनी उसमें डलेगा, इसमें डाल के दे दिया। बताओ क्या खाएं फिर हम भाई, चटनी तो लग डलवा दो यार, चटनी डलवा दो भाई, भगवान आपका भला करेगा, चटनी डलवाओ पहले। Yeah, I'm gonna have a heart attack.
It was at this moment that he knew he fucked up. भाई फोटो शूट चल रहा हमारा, फोटो शूट करेंगे। हिमांशु कैसे है? हिमांशु कैसे? Hey y'all, come look at this. भाई क्लासिक लग रहा है, लेकिन मेरे को एक चीज समझ नहीं आ रही भाई, तेरा मुंह अलग सा की ब्राइट हो रहा है। ये क्या सीधा भाई है मेरा? ये नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा यार। ये मेरी मार्क समझो, बिहाइंड द सीन। नाइस कमेंटर दो रखी है। BTS भाई आई, कितनी प्यारी फोटो, कितनी प्यारी आई है अभी, ये देख वो भाई। अरे भाई कर रखा मेरे को भैया, बिग फैन वाला मोमेंट, बिग फैन, बस बस बस। क्या नाम है भैया YouTube का नाम क्या? वो नहीं भैया, ये तो पॉइंट मार रहा है, पॉइंट मार रहा है लड़का। तो खाए YouTube भैया, YouTube हां भाई, YouTube YouTube ना काम आ यानी काम आ। ये छोटा बड़ा रह गया, ये मान तो जैसे कैसे हो गए? हां वही मॉन्स्टर से भी छोटा हो गया मैं तो। ये कैसे हो गया? इतनी खुशी मुझे। तो क्या यार, आई होप सारे एकदम बढ़िया और खुश हो गए अपने घरों के अंदर। तो फर्स्ट टॉपिक मेरा ये अनलिमिटेड फूड जो मैं बोला गया था, वो वैसा नहीं था, बिल्कुल भी वैसा नहीं था। भाई वहाँ की क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी फूड की, और हमें 4x4 का पैकेज दिया गया था कि मतलब चार नॉन वेज चार वेज,
बट दोनों में हमें मेरे फ्रेंड्स का भी रिव्यू यही है कि मतलब चिकन वालों का भी उनको मतलब दो तीन आइटम ही बार बार सब होती, चौथा आइटम तो उनको पता नहीं चला क्या था। और वेज वालों का क्या हिसाब है, वेज के में भी तीन चार चीज़ आ रही थी, मतलब तीन चार भी नहीं, चार से पहुँच ही नहीं रही थी, तीन में ही चीज़ ख़त्म हो जा रही थी। और भाई बहुत कम क्वांटिटी थी किसी भी चीज़ की, जितना मेरे को लगता है ना अनलिमिटेड के नाम पे तो कुछ भी नहीं था, जहाँ से मैं वीडियोस वगैरह बनाता हूँ अनलिमिटेड की, मेरे को वैसा कुछ भी नहीं लगा। सो यारो अब बात करते हैं, भाई मैंने ना वहाँ जाने से पहले अपने बहुत सीनियर्स वगैरह से बात की थी इंस्टाग्राम पे कि भाई आप बताओ आप लोग पिछले साल गए थे आपका रिव्यू कैसा है वहाँ का, तो उन लोगों ने जान के हमको वहाँ पे भेजा, उन लोगों ने मेरे को ऑनेस्ट रिव्यू नहीं दिया था, उन्होंने कहा था भाई तू खुद जाके तू देख लेगा कि कैसा था कैसा नहीं था। और भाई मैं ये नहीं चाहता कि मेरे जो अगले साल जो 12th में न्यू कमर्स होंगे उनके साथ भी ऐसा हो, क्योंकि क्या पता वहीं जाएँ वो भी, ठीक है। तो भाई वहाँ पे ना एक मेन रूल है, आप लोगों को बोला जाएगा कि अनलिमिटेड ड्रिंक्स होंगी, बट आपको ऐसा नहीं है, वेटर्स आप सोचोगे कि वेटर्स देने आएंगे, ऐसा नहीं है, जैसे आपको खुद जाके उठना पड़ेगा और खुद जाके ड्रिंक्स वगैरह जितनी भी है मॉकटेल्स वगैरह आपको खुद लेनी पड़ेगी। ऐसे सर्विंग दो से तीन बार ही होगी, दो मतलब तीन तो होगी नहीं, दो बार ही होगी या फिर एक बार ही सर्विंग होगी, आपको बाकी खुद लेना पड़ेगा, ध्यान रखना इस चीज़ का। सो यारो अब मेरा लास्ट और थर्ड मेरा रिव्यू है लाउड म्यूज़िक के ऊपर। भाई डीजे वाला तो भाई एपिक बंदा था, सबसे ज़्यादा एपिक बंदा जो मैंने आज तक जिंदगी में ऐसा कोई डीजे वाला देखा ही नहीं। उस बंदे ने ना हमको बोला, मतलब जब हमारी पार्टी ऑर्गेनाइज हुई थी तो हमें कुछ टॉपिक्स आए थे कि भाई आपको ये चीज़ें मिलेंगी, तो उसके अंदर एक ये भी था कि लाउड म्यूज़िक होगा, और लाउड म्यूज़िक के साथ साथ बोला गया था कि आप अपने खुद लिख के ला सकते हो टॉपिक गानों के नाम, और आप उसको दे सकते हो, सजेस्ट कर सकते हो, और वो बजाएगा। हमने इतनी रिक्वेस्ट करी उस बंदे ने, लेकिन फिर भी नहीं बजाए, तो हमने सोचा उसे पैसे देने की कोशिश करते हैं, लेकिन पैसे का भी हमें मना कर देगा कि भाई पैसे से नहीं लेगा, तुम ऐसे बजवा लो तो बजवा लो। तो हमने बहुत रिक्वेस्ट करी, हमने जो जिस बंदे ने हमारी पार्टी ऑर्गेनाइज कराई थी, हमने उस बंदे को ही बोला कि पार्टी ऑर्गेनाइज कराई थी, उस बंदे ने भी उसको रिक्वेस्ट करी जाके कि भैया इन लोगों के गाने चला दो, और उसके खुद के भी गाने थे, बट उस बंदे ने उसको भी बोला, हमें है उम्मीद देता रहा भी झूठी उम्मीद कि भाई मैंने फिट कर दिया गाना, डीजे जो उसका होता है रिकॉर्डियो तो उसके अंदर अभी नंबर आएगा तो वो चढ़ जाएगा, चलने लग जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई नहीं चला गाना, ठीक है। फिर हमने उसके मैनेजर को बुलाया, उसने मैनेजर ने भी हमें झूठ बोला उस टाइम, वो कह रहे कि सर आपका गाना उसने रिकॉर्ड कर दिया, वो मतलब थोड़े टाइम में चल जाएगा, बट लेकिन नहीं चला। और हमारे गाने हमने पूरे 30 दिन मैंने मेहनत करी, हमने डांस प्रैक्टिस करा कि वहाँ जाके तो ये डायल वेल देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो हमने स्टेप प्रैक्टिस की थी तो हमने क्या करा, हमने ढोल वाले को बोला कि भाई प्लीज़ हमारे लिए ढोल बजा, हम तेरे को पैसे दे देंगे जितने चाहिए, तो हमने उसे पैसे दिए, लेकिन वो कर क्या रहा था, वो थोड़ी देर बजा रहा फिर पैसे ले रहा फिर भाग जा रहा, मतलब फुल टू फुल मुँह पे इग्नोर मार रहा हूँ बंदा, आप लोगों ने मेरी वीडियो में देखा भी होगा भाई, सच मैं क्या बोलूँ यार, मतलब उसका ये सीन था कि आप उसे पैसे देते रहो फिर वो चले जाएगा अपने आप, फिर ढोल नहीं बजाएगा वो, जब उसका मन करेगा वो जब भी बजाएगा। सो यारो आई होप आप सबको मेरा रिव्यू एकदम ऑनेस्ट और अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोग मेरे साथ वहाँ पे गए थे आपका भी ऐसा ही सेम रिव्यू है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ, ऐसा नहीं है तो जो मैंने गलत बोला है, जो मैंने सही चीज़ बोली, या आपका कुछ अलग है डिफरेंट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप मेरे को DM करके पर्सनली बता सकते हो, बिल्कुल लीक नहीं होगी वाली बात। तो बाकी ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, आपको आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, चाहते रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।